दिल्ली में यमुना नदी के डूब क्षेत्र में यमुना खादर में अवैध और गैरकानूनी तरीके से लाखों की आबादी कैसे बस गई। ये टैक्स पेयर जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डालने या फ्री की रेवड़ी जैसे राशन, पानी, बिजली, महिला की फ्री यात्रा, भिखारियों की बढ़ती जनसंख्या, भीख मांगने और मंगवाने वाले माफिया जैसे लोग और अन्य राज्यों से यहाँ आकर लोग क्यों और कैसे बस गए, दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हुई है, जिसे दोनों सरकारें अंधी लोली लंगड़ी बनकर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं और देखे जा रही हैं। क्या सरकारें अंधी हैं? मतलब यमुना में बचाओ अभियान छेड़ा जाता है केवल कूड़े से नहीं बल्कि अवैध और गैरकानूनी कब्जा करने वालों से बचाना जरूरी है। यमुना नदी में दूसरा राज्य बन चुके यमुना खादर तलेटी में अवैध लोगों को बसाने में राजनीतिक संरक्षण और अंधे लंगड़े लूले प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका नज़र आती है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आंखें मूंदे हुए हैं। समझने के लिए बताता हूँ, अंधी सरकार को यमुना की आबादी दिखाई नहीं देती, प्रशासन की कार्रवाई में हाथ कांपते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए वहां तक पहुंचने में पैर डगमगाते हैं। बात आती है दिल्ली में चुस्त दुरुस्त उपराज्यपाल महोदय की, तो उन्हें नाव में बैठकर घूमते तो देखा गया, लेकिन दिल्ली के लिए गंभीर समस्या बनी यमुना खादर की आबादी देखने का मौका नहीं मिला। यदि सरकारी प्रशासन ध्यान ना दे तो उपराज्यपाल को इस यमुना खादर की आबादी समस्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के लोग यहाँ रह रहे हैं और भविष्य में कोई गंभीर घटना होने पर जिम्मेदार प्रशासन पर कार्रवाई की जा सके। दोनों सरकारों को चाहिए कि यमुना खादर के इस गंभीर समस्या को गंभीरता से देखें और यहाँ की आबादी को यमुना के तलहटी से खाली कराई जा सके, ताकि बार बार सरकार को इस समस्या से निजात पाने का आवश्यकता ही ना पड़े। सरकारी प्रशासन को गैरकानूनी आबादी डूब क्षेत्र से हटा देनी चाहिए।